हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग फन में। मैं हूं इंद्रनील और हम सब बात कर रहे हैं पावर शेल के बारे में। तो इस थर्ड वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ नई चीज़ें, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में और कुछ टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट्स को लेकर। और शुरुआत करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, टाइप्स का मतलब है ब्लूप्रिंट। ठीक है, और पावर शेल में आपको जो भी जितना भी आउटपुट दिखता है स्क्रीन पे, या आप जिस भी चीज से काम कर रहे हैं, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सवाल है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ उसके मेथड्स होते हैं, और वो एक सिमिलर एंटिटी को और इंफॉर्मेशन को एक साथ ट्रैक करती है। ठीक है, तो इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जैसे अगर हम बात करें रियल लाइफ एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए एक कार है। ठीक है, तो कार की एक ब्लूप्रिंट होती है, राइट? हर कंपनी अपना एक ब्लूप्रिंट बनाती है। तो लेट्स से कि हर कार की कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती है, जैसे कि क्या, लेट्स से हर कार का एक कलर होगा, उसकी उसका कुछ माइलेज होगा। ठीक है, देन उसका कुछ टॉप स्पीड भी हो सकता है। ठीक है, और लेट्स से उसकी कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मूवमेंट के लिए को एक फंक्शन। ठीक है, मूवमेंट, देन एक फंक्शन है स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए, एक है स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए गाड़ी को। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और हम ऐड कर देते हैं, जैसे इंजन कैपेसिटी, इंजन इंजन सीसी। तो लेट्स अज्यूम कि ये एक ब्लूप्रिंट है और इसको यूज करके कंपनीज जो हैं वो कार बना रही हैं, राइट? तो मे बी फर्स्ट कंपनी है लेट्स से ऑडी, और उसने कलर चूज किया है लेट्स से सिल्वर, और उसके बाद माइलेज है लेट्स से 20 किलोमीटर पर लीटर। एंड मैं ये नंबर्स बहुत ही रैंडमली चूज कर रहा हूँ, उसमें एक्चुअल कार का कोई रिलेशन नहीं है, सो प्लीज डोंट ब्लेम मी। टॉप स्पीड लेट्स से 200 किलोमीटर्स है, इंजन सीसी है 3.0 लीटर। ठीक है, एंड लेट्स से नेक्स्ट कंपनी है मारुति, इसने कलर चूज किया है लेट्स से ब्लैक, माइलेज थोड़ी ज़्यादा है लेट्स से पर लीटर, टॉप स्पीड 160 किलोमीटर्स, और इंजन कैपेसिटी है लेट्स से 1.5 लीटर्स। ठीक है, तो ये कुछ रैंडम एग्जांपल्स हैं, और जैसे आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही कंपनीज गाड़ियां ही बना रही हैं, लेकिन उन गाड़ियों की प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ डिफरेंट है कंपनी टू कंपनी, और वो वैरी कर सकती है। ठीक है, सो अगर हम बात करें इस ब्लूप्रिंट के बारे में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, राइट? लाइक कलर, माइलेज, टॉप स्पीड, इंजन, इनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। और जो राइट साइड में आप फंक्शंस देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं मेथड्स। ठीक है, सो हर
ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के पास कुछ मेथड्स होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, और इन दोनों को कंबाइन करके ही एक ऑब्जेक्ट बनता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, राइट? ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, और ये जो फंक्शंस हमने यहाँ डिफाइन किए थे या ब्लूप्रिंट में डिफाइंड हैं, लाइक मूवमेंट, स्टीयरिंग, स्टार्ट एंड स्टॉप, ये इन दोनों कार के लिए कॉमन है, ठीक है? वी नो दैट, राइट? और ये जो दो गाड़ियां बनी है, राइट, ऑडी एंड मारुति, इनको हम कहते हैं इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस ऑफ दैट ब्लूप्रिंट, ठीक है? तो आई होप कि ये एग्जांपल आप सबको समझ में आया होगा, और इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। सो ये ऑब्जेक्ट नंबर टू है, ये ऑब्जेक्ट नंबर वन है, जो कि क्या है, इंस्टेंसेस ऑफ द एक्चुअल ब्लूप्रिंट, ठीक है? आई होप ये सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? तो पावर शेल में भी सब कुछ ऑब्जेक्ट है। सो आप कोई भी कमांड चलाते हैं, गेट सर्विस या फिर गेट प्रोसेस, या कोई भी कमांड आप चलाते हैं, तो उसका जो आउटपुट मिलता है आपको, वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही मिलता है। तो आइए इसको चेक करते हैं पावर शेल में जाकर, एक्चुअल शेल में जाकर, ठीक है? उसके लिए मैं शेल में जाना चाहूंगा, और उसके लिए हम चले आते हैं शेल पे। आई होप आप सबको स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही होगी और मेरी आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। और गाइस, अगर आपने मेरी पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं इस सीरीज में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जाकर उसको चेक करिए। उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल रहा होगा, मेक श्योर आप उसको चेक करिए, ठीक है? तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, और ऑब्जेक्ट्स में कुछ मेंबर्स होते हैं। सो जैसे कि हमने चेक किया कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ मेथड्स होते हैं, इनको हम मेंबर्स भी कहते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्ट्रिंग लिखी, दिस इज अ टेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है? और आपने यहाँ पे एंटर दबाया, तो आपको वो आउटपुट में मिल गया, कंसोल में मिल गया एज इट इज, ठीक है? लेकिन अगर मैं जानना चाहूं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का टाइप क्या है, तो किस टाइप की ये ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेम स्ट्रिंग को रैप करना पड़ेगा पैरेंथेसिस के अंदर। सो दिस इज अ टेस्ट स्ट्रिंग, मैं सेम स्ट्रिंग दोबारा लिखता हूं, और पेरेंथेसिस क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट गेट टाइप, और ये एक फंक्शन है और या फिर मेथड है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो इसको आप जब रन करेंगे, ठीक है, तो ये आपको आउटपुट में देगा कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो आप मतलब जिसको आप यूज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसका टाइप क्या है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, ठीक है? इस पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया है, उसका टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है? और टेक्स्ट यूज किया, सॉरी, इसका टाइप है स्ट्रिंग। और जैसे अगर आप देखें कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का टाइप तो स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्ट्रिंग कहाँ से डिराइव हुआ है या इसका ब्लूप्रिंट कौन सा है, वो है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और जो कि बेस टाइप में आपको शो हो रहा है यहाँ पे। और जो ये सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट है, ये आपको जानने की बहुत ज़रूरत है कि हर जो ऑब्जेक्ट या फिर जो टाइप अवेलेबल है पावर शेल में, लाइक स्ट्रिंग्स, बूलियंस या फिर इंटीजर्स, कुछ भी आप ले लें, उन सब का बेस टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहेगा। अगर अगर आप एरेस की भी बात करें, तो एरेस का भी जो बेस टाइप है, सब कुछ ऑब्जेक्ट है, सब कुछ ऑब्जेक्ट से डिराइव होके ही पावर शेल में बना हुआ है, ठीक है? अगर हम बात करें लेट्स से बूलियन की, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में डॉलर ट्रू, ठीक है,
पावर शेल में अगर आपको बूलियन यूज करना है लाइक या ट्रू और फॉल्स, तो आपको एक बार उसको डॉलर के साथ यूज करना पड़ेगा। ये डॉलर क्या है अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। मैंने टाइप किया गेट टाइप, तो इसने मुझे बता दिया कि ये एक बूलियन टाइप का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और अगेन अगर आप चेक करें तो ये बूलियन भी डिराइव हो रहा है सिस्टम डॉट वैल्यू टाइप से, ठीक है। और ये सिस्टम डॉट वैल्यू टाइप जो होगा ये इन रिटर्न डिराइव हो रहा होगा आपके सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट से, वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पे लिखूं डॉट बेस टाइप, डॉट बेस टाइप दो बार, तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से ही हो रहा है। अगर मैं एक बार लिखूं इसको, और देखेंगे कि इसका जो जो गेट टाइप है वो बूलियन है, गेट टाइप का बेस टाइप है वैल्यू टाइप, और वैल्यू टाइप का जो बेस टाइप है वो अगेन क्या है, मेरा सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही क्रूशल कंसेप्ट है जो सबको समझना जरूरी है, जो भी पावर शेल यूज कर रहे हैं, कि आप कुछ भी यूज करें पावर शेल में वो एट द एंड ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा आपको। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज की, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हम अवेलेबल मेंबर्स की लिस्ट कैसे देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि स्ट्रिंग की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या मेथड्स हैं, बूलियन के क्या मेथड्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं। सो उसको चेक करने के दो इजी तरीके हैं, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। पहले इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है एक इनबिल्ट कोर कमांड है, हमने लास्ट टाइम गेट कमांड के बारे में बात किया था, और हमने शायद गेट एलियस के बारे में भी डिस्कस किया था। इस बार हम बात करेंगे एक और कमांड की जिसका नाम है गेट हाइफन मेंबर, ठीक है। ये कमांड क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेंबर आपको बता देती है, लेकिन ये एक इनपुट मांगती है जो कि है इनपुट ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इनपुट ऑब्जेक्ट में एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करूं, ठीक है, तो और आप एंटर दबाएंगे तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। और अगर आप ध्यान से देखें कि अभी हम बात कर रहे हैं सिस्टम डॉट स्ट्रिंग के बारे में, तो ये जो टाइप है ये टाइप है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इनपुट ऑब्जेक्ट का। और इस टाइप में ये मेथड्स अवेलेबल हैं, और प्रॉपर्टी सिर्फ एक अवेलेबल है जो कि है लेंथ। लेंथ बताती है कितना लंबा आपका स्ट्रिंग है। अगर मैं दोबारा जाऊं यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिखूं डॉट लेंथ, तो बताएगी मेरे या इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में 21 कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस, ठीक है। तो 4 + 1 5, 2 7 8 9 10 14 और 6 20 और 1 21, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, और डिफरेंस प्रॉपर्टी और मेथड के बीच में सिर्फ इतना है कि प्रॉपर्टी आपको राइट अवे वैल्यू बता देगी, जो भी उस प्रॉपर्टी का आउटपुट होगा वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे चेक करें राइट द लास्ट कॉलम में कि जो लेंथ प्रॉपर्टी है मेरी वो एक इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टी है। इंटीजर मीन्स वो नंबर, उसमें हमेशा आपको एक नंबर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि वो आपसे उसको गेट कर सकते हैं, उसका आप लेंथ जो है वो प्रॉपर्टी उसको आप सेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको आप सिर्फ रिट्रीव कर सकते हैं, उसको आप अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही जैसे जैसे आप स्ट्रिंग को एंटर करेंगे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अपने आप सेट होती रहती है कंपाइलर के थ्रू, ठीक है। आई होप इतना क्लियर रहेगा। और ये हुआ एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका है जो कि हम मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, जो कि है हमारा पाइपलाइन का वीडियो। उसमें आप समझेंगे कि पाइपलाइन को यूज कैसे किया जाता है, पाइपलाइन क्या होती है, लेकिन उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, क्योंकि हम अभी गेट मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो गेट मेंबर का जो दूसरा तरीका है यूज करने का वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे मैंने सेम स्ट्रिंग ली, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, इसको मैंने पाइप किया, ये एक पाइप कैरेक्टर है जो कि आपको
एंटर के ऊपर मिलता है, मतलब बैक स्लैश के साथ, मतलब इसके ऊपर ये कैरेक्टर होता है। आप अगर शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो आपको ये पाइप कैरेक्टर मिल जाएगा। और इसके साथ आप अगर गेट मेंबर को लिखें, ठीक है, सिर्फ इतना लिखेंगे और आप एंटर दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही इसको एज अ इनपुट लेके उसका जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है गेट मेंबर का वो आपको दिखा देगा। और यहाँ पे हम क्योंकि हम सेम स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आप हमको सेम आउटपुट ही मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन लेट्स से अगर हम दूसरा कुछ यूज करते हैं, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बूलियन एक वैल्यू लूँ, डॉलर ट्रू या डॉलर फॉल्स कुछ भी आप ले सकते हैं, लेट्स से उसके कितने मेंबर्स हैं और कितने प्रॉपर्टीज हैं, क्या मेथड्स हैं, क्या है। तो अगर आप देखें कि मेरा टाइप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है सिस्टम डॉट बूलियन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेथड्स ही हैं, राइट। और मैं इन मेथड्स को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। सो जरूरी नहीं है कि किसी टाइप का मेथड या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे। इन दोनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट कर सकता है या फिर दोनों ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये इनबिल्ट है, इसमें इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये इनबिल्ट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करूँ डॉट ऑपरेटर की मदद से, लेट्स से टू बाइट, इसका सिंटैक्स क्या है वो मुझे नहीं पता, राइट। मैंने कभी इसको यूज नहीं किया है, लेकिन अगर टू स्ट्रिंग एक मेथड है इसको मैं यूज कर सकता हूँ, वो मुझे इसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग वैल्यू जो होता है वो यहाँ पे आपको आउटपुट में दे देगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे और भी मेथड्स हैं जिनको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, जिनको एक्चुअल में यूज कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंट 16 है, ये आपको एक इंट 16 वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, आई कन्वर्टेबल एक क्लास की मदद से, या इंटरफेस कह सकते हैं आप इसको। आप अभी इस पे ज्यादा फोकस मत करिए, आप अभी हम इस लेक्चर में सिर्फ ये जान रहे हैं कि गेट मेंबर को कैसे यूज कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइप, उसके अंदर के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। और अगर आप अपने शेल में जाएं, ठीक है, और डॉट के बाद कंट्रोल स्पेस दबाएं, तो आपको ये इंटेलिजेंस के हेल्प से भी आप ये कर सकते हैं। एंड देन आप अप एंड डाउन एरो से कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं यूज करूँ टू बूलियन, ठीक है, तो उसमें भी एक आर्गुमेंट चाहिए, लेट्स नॉट यूज इट। मैंने यहाँ पे लेंथ यूज किया फिर से, तो वो कहता है कि एम्प्टी है, ठीक है। ये बात हुई आपके गेट मेंबर की। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? अगर आपने कभी भी प्रोग्राम किया किया है किसी और लैंग्वेज पे, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, तो हर एक लैंग्वेज में वेरिएबल्स का बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। वेरिएबल कुछ नहीं है, एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जिसको जो आपको एलोकेट हो जाता है, और उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में आप कोई भी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, जिसको आप बाद में रीयूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स अलग अलग होता है, ठीक है। और तो अगर हम बात करें पावर शेल की, तो पावर शेल में जो सिंटैक्स है वो बहुत सिंपल है। वो है, आपको जब भी कोई यूजर डिफाइंड वेरिएबल बनाना होगा सेशन में, तो वेरिएबल दो तरह के हो सकते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल जो कि इनबिल्ट होते हैं कुछ, और कुछ जो आप खुद लिख सकते हैं। जो यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स है जो आप बनाते हैं, आप लिखते हैं, वो सिर्फ एक सेशन तक ही रहते हैं। मतलब अगर आपने ये पावर शेल क्लोज किया विंडो, तो वो मेमोरी से हट जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनबिल्ट वेरिएबल्स है, जैसे कि डॉलर होम, ठीक है, ये इनबिल्ट वेरिएबल है जो कि हमेशा पावर शेल में रहेगा, बिकॉज ये फ्रेमवर्क के साथ ही आता है और ये आपको कुछ आउटपुट देता है। सिमिलरली डॉलर होस्ट, ठीक है, ये आपको कुछ आउटपुट देगा और ये इनबिल्ट वेरिएबल है।
अब बात करते हैं कि वेरिएबल को कैसे डिफाइन करें। अगर मुझे अपना कोई वेरिएबल बनाना है तो उसको मैं डिफाइन करूंगा डॉलर कीवर्ड से। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो पहले आप लिखेंगे डॉलर, फिर कोई भी नाम जो आपको पसंद हो वेरिएबल का। मेक श्योर कि आप कोई भी इनबिल्ट वेरिएबल का नाम या फिर कोई भी कीवर्ड जो हम यूज करते हैं उनका उनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप तो जो मन करे आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। सो मैं एक एग्जांपल में देता हूँ, लेट्स से नेम, और मैंने अपना ही नाम यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। तो आपने एक चीज नोट किया होगा, जैसे मैंने इसको एंटर हिट किया मुझे यहाँ कोई आउटपुट नहीं मिला, ठीक है। और पावर शेल में अगर एंटर दबाने के बाद कुछ एरर नहीं आता है तो उसको हम अच्छी बात मानते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई एरर नहीं है, विच इज गुड। अब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर हो गई है, इस नाम इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है, ठीक है। तो उसको रिट्रीव कैसे करेंगे, सिर्फ आप डॉलर नेम लिखिए, एंटर दबाइए और आपको कंसोल पे आउटपुट मिल जाएगा। सो आपका सवाल होगा शायद कि इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से आपको आपको स्क्रिप्ट बना रहे हैं, उसमें आपको कुछ लिखना है, राइट। तो लिखने के लिए हम राइट होस्ट का यूज कर सकते हैं। तो राइट होस्ट की मदद से आप कंसोल पे कुछ चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, जैसे वेलकम टू पावर शेल ट्यूटोरियल, ठीक है। ये आपके कंसोल पे प्रिंट हो गया। तो आप चाहे तो एक कलर भी दे सकते हैं, लेट्स से मैंने इसको दे दिया येल्लो। तो ये येल्लो कलर में प्रिंट हो गया, और ये येल्लो आपको शायद ब्राइट येल्लो ना दिखे, बिकॉज मैं लास्ट टाइम शो किया था कि मैं यहाँ पे एक थीम यूज कर रहा हूँ, तो उस थीम के हिसाब से येलो कलर यही है। अदरवाइज अगर आप पुराना पावर शेल यूज कर रहे हैं जो कि ब्लू विंडो में आता है, उसमें अगर आप येलो लिखेंगे तो आपको प्रॉपर येलो लाइट मतलब लाइट येलो कलर पे आपको ये शो होगा। दूसरा कलर अगर मैं लो ग्रीन कलर फॉर एग्जाम्पल, ये आपको ग्रीनिश दिख रहा होगा स्क्रीन पर, राइट आई होप। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इस वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज कैसे कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे आना है कोड्स के अंदर और टाइप कर देना है, लेट्स से मैंने टाइप किया डैश फिर डॉलर नेम। और अगर आप ध्यान से देखिए तो इस स्ट्रिंग का कलर और मेरे वेरिएबल का कलर डिफरेंट है। मैंने जो यहाँ पे लिखा है डॉलर नेम, इसका कलर ऑटोमेटिकली ग्रीन में आ गया है, जो कि मेरे यहाँ पे कलर है वेरिएबल का। लेकिन जो मेरा बाकी का टेक्स्ट है वो अभी भी ब्लू में है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप डबल कोट्स यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए और उसके अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मतलब वेरिएबल को कॉल करते हैं, तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस होके आउटपुट में आती है, ना कि वेरिएबल का नाम, ओके। तो अगर मैं अभी एंटर हिट करूं, आपको दिखाएगा कि वेलकम टू द पावर शेल ट्यूटोरियल इन रनील, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वेरिएबल इसके एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया आउटपुट में शो करने से पहले, ठीक है। तो अब ये हम और अच्छी तरह से सीखेंगे जब हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में, कितने तरह के स्ट्रिंग्स होते हैं पावर शेल में, उसको भी हम जानेंगे अपकमिंग वीडियोस में। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जानकर रखिए कि कभी भी अगर आप डबल कोट्स कर यूज करते हैं और उसमें कोई वेरिएबल का यूज करते हैं इनसाइड, तो वो चांसेस हैं कि वो वेरिएबल उसकी जो वैल्यू है वो आपको आउटपुट में मिलेगा। और मैंने मैंने ऐसा क्यों कहा कि चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपका वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, कि ये वेरिएबल एक सिंपल स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है, तो आपको एक आउटपुट मिल गया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लाइक नेम, जेंडर, फिर ईमेल एड्रेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उस केस में सिर्फ डॉलर नेम से काम नहीं बनेगा। उसका जो जो सिंटेक्स है वो हम पढ़ेंगे जब हम स्ट्रिंग्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान के रखिए कि ऐसे आप वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। और वेरिएबल का एक और ये तो हुआ एक यूसेज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वेरिएबल है ए, इसकी वैल्यू है 1, और एक है बी, इसकी वैल्यू है 2। इन वेरिएबल्स पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि ए प्लस बी आपको आउटपुट में मिला 3, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे कैपिटल ए लिखूं और कैपिटल बी लिखूं तो भी ये चलेगा,
क्योंकि पावर शेल में वेरिएबल्स जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना है हमेशा, वेरिएबल्स आर नॉट केस सेंसिटिव इन पावर शेल, ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज और आपको आप जान सकते हैं, जैसे कि आपको आप वेरिएबल्स को रीअसाइन भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने लिखा है अभी डॉलर ए जिसकी वैल्यू है 1, उसको मैं डॉलर ए को दोबारा रीअसाइन कर सकता हूँ, लेट्स से 30 पे, तो वो 30 सॉरी 30 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और अगर आपको जानना है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, सो बहुत ही सिंपल है, डॉलर ए लिखिए पहले, पहले वेरिएबल को का नाम लिखिए, फिर डॉट गेट टाइप, ठीक है, और मेक श्योर आपने ये क्लोज आई मीन क्लोजिंग पैरेंथेसिस यूज किया हो, अदरवाइज ये मेथड कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप इसका टाइप चेक करें तो ये है int32, क्योंकि एक नंबर है तो ये int32 के फॉर्मेट में स्टोर होता है, जिसका बेस टाइप क्या है, वैल्यू डॉट टाइप, और उसका अगर हम बेस टाइप निकालें वो है सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में आपने एक चीज शायद नोटिस किया हो कि जब मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ उसकी वैल्यू दे रहा हूँ, राइट, मैं चाहूँ तो कुछ भी यहाँ पे दे सकता हूँ। तो पावर शेल का जो कंपाइलर है, आपको वेरिएबल का टाइप बताने की जरूरत नहीं है, एंड 99.9% केसेस में आप टाइप नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर आप कोई स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं तो उसमें भी टाइप बताने की जरूरत नहीं है, कंपाइलर अपने आप वैल्यू, जो भी वैल्यू उसके पास आएगी उस वेरिएबल में, वो असाइन ऑटोमेटिकली, वो टाइप उसको ऑटोमेटिकली इन्फर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वो उसको डिकोड कर लेगा कि इसका टाइप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका टाइप चेक करें राइट नाउ गेट टाइप, तो वो स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैंने इसको 12 बना दिया और फिर चेक किया तो वो int32 है। अगर मैंने इसको सपोज बना दिया डॉलर फॉल्स और फिर चेक किया तो ये बूलियन। तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक ये टाइप चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये एक बहुत ही हैंडी फीचर है, इसमें इसको हम कहते हैं, मतलब कई बार इसको हम इस पावर शेल को हम स्ट्रांगली टाइप फ्रेमवर्क नहीं कहते हैं, ठीक है, ये एक लूजली या वीकली टाइप फ्रेमवर्क भी है, अनलाइक अदर फ्रेमवर्क लाइक सी शार्प। सी शार्प में या फिर सी प्लस प्लस में आपको वेरिएबल का टाइप बताना पड़ेगा पहले, उसके बाद या वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर को पहले पता होना चाहिए कि आप किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दीजिए उसके हिसाब से अपने आप कंपाइलर का टाइप इन्फर कर लेता है या फिर डिकोड कर लेता है, ठीक है। और बात करें वेरिएबल के बारे में और क्या बात कर सकते हैं, देखें जरा कि देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के और क्या तरीके हैं। एक तो मैंने आपको दिखा दिया कि डॉलर वेरिएबल का नाम दीजिए और इक्वल टू साइन और फिर उसकी वैल्यू और वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। या फिर एक इनबिल्ट कमांड और है जिसका नाम है न्यू हाइफन वेरिएबल, ठीक है। इस कमांड में आप एक नाम दे सकते हैं लेट से टेस्ट और उसकी एक वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू है लेट से हेलो पावर शेल, ठीक है। ये जो वेरिएबल है टेस्ट, इस नाम से मेरा एक वेरिएबल बन चुका होगा मेमोरी में। अब मैं अगर डॉलर टेस्ट लिखूं और मैं टैब कंप्लीशन भी यूज कर सकता हूं, जैसे मैंने अभी किया, एंटर दबाएंगे तो आपको फिर उसका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये वेरिएबल रिमूव करना है मेमोरी से, तो मैं रिमूव वेरिएबल भी यूज कर सकता हूँ, तो नाम पास करूंगा और वो मेमोरी से रिमूव हो जाएगा, तो उसका कोई आउटपुट अब मुझे नहीं मिला, ठीक है। अब एक वेरिएबल होता है जिसको हम कहते हैं रीड ओनली वेरिएबल, इसका मतलब है कि उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते नॉर्मल इक्वल टू साइन लगा के। हम देखते हैं कि उसको हम कैसे बना सकते हैं। मैं दोबारा टेस्ट वेरिएबल बनाता हूँ और उसको हम मैं देता हूँ वैल्यू सेम हेलो पावर शेल, और यहाँ पे मैं एक फ्लैग यूज करता हूँ ऑप्शन में रीड ओनली, ठीक है। तो डॉलर टेस्ट करेंगे तो
तो हमको आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर मैं करूं टेस्ट इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, तो अभी हमको एक एरर मिल गया है इस कंसोल पे, जो कि साफ साफ कह रहा है कि कैन नॉट ओवरराइट वेरिएबल टेस्ट बिकॉज इट इज रीड ओनली और कॉन्स्टेंट। तो इस मैसेज से आपको एक चीज और मालूम पड़ गई होगी कि इस ऑप्शन में या तो आप रीड ओनली यूज कर सकते हैं या फिर कॉन्स्टेंट भी यूज कर सकते हैं। सो मैं एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल भी बना सकता हूँ। कॉन्स्टेंट का मतलब है जिसको आप ना तो चेंज कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। मैं रीड ओनली वेरिएबल को अगर मैं चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ मेमोरी से। तो अगर मैं रिमूव करूँ, ओके सो रिमूव ऑप्शन नहीं चलेगा, लेकिन मैं अगर सेट करना चाहूँ तो सेट मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे न्यू वैल्यू और ये मेरा कह रहा है नेम टेस्ट। ओके तो आप अगर देखें कि ये नॉर्मली मैं सेट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये रीड ओनली है, विच मेक सेंस। तो अगर मुझे सेट करना है रीड ओनली को जबरदस्ती, तो मैं यहाँ पे फोर्स फ्लैग का यूज करके ये मैं सेट कर सकता हूं। और अब देखिए इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। रिमूव भी नॉर्मली आप नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ये रीड ओनली है। अगर रिमूव करना ही है तो आप इसको फोर्स करके मेमोरी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल बना दिया, लाइक कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो इसको आप रीड तो कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने सेट करने की कोशिश करी नॉर्मली तो एरर आएगा, और आपने अगर फोर्स फ्लैग का भी यूज किया तो भी आप सेट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टेंट को आप सेट नहीं कर सकते हैं, राइट। और उसको आप रिमूव भी करना चाहें मेमोरी से, रिमूव टेस्ट, तो रिमूव भी नहीं कर सकते। वो एक बार मेमोरी में बन गया तो वो बन गया, जब तक आपका ये सेशन चल रहा है पावर शेल का वो मेमोरी में रहेगा, ठीक है। तो मैं टेस्ट को अब मैं डिलीट या चेंज नहीं कर सकता। और इसकी मैं अगर वैल्यू देना चाहूँ ऐसे 1 2 3, ये भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। और एक और तरीका है कि जब आप कमांड लेट को चलाते हैं, लेट से गेट सर्विस, ठीक है, इसको आप चाहें तो इसका पूरा आउटपुट एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक सिंटेक्स स्टोर करने का। पहले पहले वेरिएबल का नाम दीजिए इक्वल टू साइन, फिर कमांड लेट, जो कि बहुत बहुत पॉपुलर है, ठीक है, और मैं भी मोस्टली ऐसे ही यूज करता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक, अगर आपने आपको याद हो कि हमने कॉमन पैरामीटर्स के बारे में बात किया था जब हम गेट कमांड से कमांड की डिटेल्स चेक कर रहे थे, तो वहाँ पे एक कॉमन पैरामीटर है आउट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे कि से गेट सर्विस वेरिएबल आउटपुट, ठीक है, GSVO, गेट सर्विस वेरिएबल आउटपुट। तो मैंने यहाँ पे एक कस्टम नाम कुछ भी जो मेरे दिमाग में चल रहा है अभी, मैंने उसको दे दिया। और यहाँ पे जब आप ये फ्लैग कॉल कर रहे हैं या पैरामीटर कॉल कर रहे हैं वेरिएबल को बनाने के लिए, तब तो आपको डॉलर साइन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने न्यू वेरिएबल में डॉलर साइन का यूज नहीं किया था, यहाँ पे भी हम डॉलर साइन यूज नहीं करेंगे। एंटर दबाएंगे तो ये जो पूरा आउटपुट आपको दिखा ये डॉलर GSVO में स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो डॉलर GSVO का अगर हम टाइप चेक करें किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना है, तो वो है एक एरे लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट क्या होता है वो हम बाद में सीखेंगे जब हम एरेस पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप चेक करें कि एरे लिस्ट का भी जो पेरेंट है, बेस है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी वेरिएबल या कुछ भी है पावर शेल में, उसका बेस टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहने वाला है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इनबिल्ट टाइप्स की। पहला है ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हम क्विकली जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और मैं इसको करता हूँ, थोड़ा मूव करता हूं अप, तो जो कॉमन टाइप्स हैं, ठीक है, कॉमन
टाइप्स हैं पावर शेल में, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है इंट, जो कि हमें देता है नंबर्स, ठीक है। इसमें इंट 32, इंट 16 भी है, जिसमें कुछ रेंज उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल मेरा इंट 32 है, उसकी रेंज है -214 समथिंग टू +214 समथिंग, ठीक है। बहुत ही लंबी रेंज है उसकी। उसके बाद आता है लॉन्ग, ठीक है, जिसकी रेंज और थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये भी नंबर से देगा आपको, लेकिन इसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंट। नेक्स्ट आपने देखा होगा स्ट्रिंग, जो हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट के लिए काम आती है। उसके बाद है सपोज बूलियंस, ओके, जिसमें हमारा ट्रू और फॉल्स आता है। सो ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और फॉल्स को करते हैं 0 से, ठीक है। ये मेरा फॉल्स है और ये मेरा ट्रू है। उसके बाद अगर हम बात करें एरेज, तो ये मेरा इनबिल्ट टाइप ही है, लेकिन कस्टम है, ठीक है। थोड़ा मतलब नेटिव इसको कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक कस्टम टाइप इन्होंने हमको बना के दिया है पावर शेल के फ्रेमवर्क में। और ये टाइप मैक्सिमम हर फ्रेमवर्क में या फिर हर लैंग्वेज में सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो एरे में क्या होता है कि आपका एक मतलब मोर देन वन आपको अगर एंट्री सेव करनी है, या फिर क्योंकि इंट में या लॉन्ग में आप सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, अगर आपको मोर देन वन वैल्यू स्टोर करना है तो आप एरे का यूज करते हैं, ठीक है। तो एरे एक स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसे ब्लॉक्स, मेमोरी के कंटिगुअस ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मेमोरी मेरी स्टार्ट हो रही है लेट्स से 100 नंबर से, तो ये 101, ये 102, ऐसे चलते चलते जो भी लास्ट एंट्री होगी, सपोज मैंने 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 105 आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो इस पर ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस नाम बता रहा हूँ जो जो अवेलेबल है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो है इनम्स, ठीक है। इनम्स भी बहुत बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। इनम में क्या है कि आप कुछ वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, मतलब जिसका टाइप सेम हो। सो बेसिकली अ सेट ऑफ नेम्ड कॉन्स्टेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपको डेज के नाम स्टोर करने हैं मंडे टू संडे, तो आप एक इनम टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, जिसमें आप मंडे टू संडे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेट, ओके, या फिर डेट टाइम कहते हैं। ये एक डेट को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये कैसे दिखता है वो हम अभी देख लेंगे। तो इसमें अगर आप कोई भी मतलब डेट स्टोर कर रहे हैं, तो वो डेट टाइम के टाइप में बन जाता है अपने आप। जैसे हमने अभी अभी एरे लिस्ट देखा कि जैसे हमने गेट सर्विस का आउटपुट स्टोर किया वेरिएबल में, तो उसका टाइप अरे लिस्ट आया, अभी जैसे हम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉलर ए और एक फंक्शन, और या मैं या फिर कमांड लेट चलाऊँ गेट डेट, जो कि मुझे डेट रिटर्न करता है। सो इसको मैंने स्टोर कर लिया डॉलर ए में, और ये अभी का टाइम है, सिस्टम मेरा सिस्टम टाइम है, ठीक है। तो इसका अगर हम गेट टाइप कॉल करें, तो ये एक डेट टाइम टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया है, और उसका जो बेस टाइप है वो ये है, और इसका क्या होगा ऑब्जेक्ट हमने चेक कर लिया है। अगर आपको जानना है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या डेट टाइम में क्या क्या मेथड्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, वो आप कभी भी चेक कर सकते हैं। इसका आप पाइप सिंबल में यूज करके गेट मेंबर में पाइप कर देंगे, तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो ये सारे मेथड्स हैं, ऐड डेज, ऐड आवर्स, ठीक है, और
नीचे उसके प्रॉपर्टीज हैं लाइक डेट, डे, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर। तो बेसिकली अगर मैं लिखूँ डॉलर डॉलर ए डॉट डे और ये प्रॉपर्टी है, तो मुझे पैरेंथेसिस डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल नाम लिखिए प्रॉपर्टी का और एंटर दबाइए। तो मुझे ये कौन सा डे ऑफ द मंथ है, 23rd सेप्टेम्बर है आज, तो उसने बता दिया। अगर मुझे डे ऑफ वीक जानना है वो है सैटरडे, डे ऑफ ईयर जानना है तो वो है 266। ओके, सिमिलरली आप बाकी प्रॉपर्टीज भी ऐसे चेक कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल इतना ही इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में या फिर कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। और आपका कोई भी सजेशन हो या एडवाइस हो या कमेंट या फिर कंप्लेंट भी अगर है तो प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए। जो प्लेलिस्ट है पूरी उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे पाइपलाइन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसके साथ मतलब स्टे ट्यून रहें और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।